और उन सभी देशों का एक ही जैसा है कि सब जगह सब कुछ होता नहीं है, तो जहां जो कुछ होता है वहां से इकट्ठा करो और एक ही जगह कहीं सेंट्रलाइज सिस्टम हो तो वहां से डिस्ट्रीब्यूशन हो। तो ये जो शॉपिंग मॉल्स हैं ये इस मजबूरी की उपज है। अमेरिकन इकोनॉमी में, यूरोपियन इकोनॉमी में, चूंकि हर चीज हर जगह होती नहीं है, जीवन चलाने के लिए चाहिए तो सब कुछ, लेकिन होता तो कुछ भी नहीं है, तो उनको हर जगह जहां से भी कुछ मिले वो इकट्ठा करो, सेंट्रलाइज उसको रखो ताकि लोग आकर उसे खरीद कर ले जा सके और अपनी जिंदगी चला सके। इसलिए उन्होंने शॉपिंग मॉल्स बनाए और उनके शॉपिंग मॉल्स आप जानते हैं कि भारत की दुकानों जैसे नहीं है। हमारे यहाँ की दुकान और उनके शॉपिंग मॉल्स में जमीन आसमान का अंतर है। उनके यहाँ के शॉपिंग मॉल में मोटर कार से लेकर सुई और धागे तक एक ही जगह मिलेगा, क्योंकि ना मिले तो उनकी जिंदगी नहीं चलेगी। एक ही जगह मिलना उनके लिए आवश्यक है, नहीं मिलेगी तो जिंदगी नहीं चलेगी। तो उनके सारे शॉपिंग मॉल्स होंगे सेंट्रलाइज, और सेंट्रलाइज शॉपिंग मॉल्स रखने हैं तो उनके लिए सेंट्रलाइजेशन बहुत आवश्यक है। तो उनके लिए बड़ी कंपनियां जरूरी है और बड़ी कंपनियों के लिए बड़ा पूंजी निवेश जरूरी है। तो उनके यहाँ एक शॉपिंग मॉल खोलना हो तो $2-5 लाख से कम का किसी हिसाब किताब नहीं, हो सकता है $50 लाख का हिसाब किताब है, हो सकता है $1 करोड़ में वो खोले। तो इसलिए वहां की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो शॉपिंग मॉल चलाती है। छोटी कंपनी तो अमेरिका और यूरोप में एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो मान लीजिए एक कंपनी है वॉलमार्ट, उनके अमेरिका में हजारों शॉपिंग मॉल्स हैं क्योंकि बहुत सेंट्रलाइज कंपनी है। वॉलमार्ट का एक साल का टोटल से भारत सरकार के बजट से 2 गुना ज्यादा है। भारत सरकार का एक साल का बजट 5.5 लाख करोड़ का है, वॉलमार्ट का एक साल का सेल 11 लाख करोड़ रुपए। वॉलमार्ट के टक्कर की एक दूसरी कंपनी है यूरोप की जिसका नाम है KF4। इनकी बहुत बड़ी सीरीज है पूरे यूरोप में। वॉलमार्ट की बहुत बड़ी सीरीज है पूरे यूरोप, अमेरिका, कनाडा में। तो उनके बहुत सारे सब कुछ काम सेंट्रलाइजेशन पर आधारित है। ये बात जो है समझने की, सेंट्रलाइजेशन में कोई काम सस्ते में नहीं हो सकता, उसमें बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट पर बहुत बड़े शॉपिंग मॉल्स और बहुत सेंट्रलाइज तरीके से वो चलाते हैं क्योंकि उनकी मजबूरी है। और वो मजबूरी है कि भगवान ने, प्रकृति ने उनको हर जगह कुछ भी नहीं दिया। कुछ जगह कुछ होता है, कुछ जगह कुछ होता है, हर जगह की चीजें एक जगह इकट्ठे करके इनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये है उनकी मजबूरी। अब भारत की बात करें, भारत में शॉपिंग मॉल्स क्यों चाहिए? इस देश की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ सब कुछ सब जगह होता है। मैंने आपको कहा भारत में 35 राज्य हैं, हर राज्य में गेहूं होता है, चावल होता है, चना होता है, मटर होती है, दाल होती है, हर राज्य में केला होता है, हर राज्य में गन्ना होता है, संतरा होता है, हर राज्य में मूंगफली होती है। आपको जीवन में जो भी चीजें आवश्यक हैं, जो आप घर में मसाले इस्तेमाल करते हैं, लगभग 108 मसाले हमारे जीवन में रोज काम आते हैं। हल्दी है, धनिया है, मेथी है, जीरा है, आदि आदि। इनमें से 50% हर जगह होते हैं। हल्दी तो आप लगभग हर समय हिंदुस्तान में कहीं भी हो जाती है। तो जब सब कुछ सब जगह होता है तो हमको सेंट्रलाइजेशन की जरूरत क्या है? हम भारत में 7,32,000 गांव के बात करते हैं। 7,32,000 में किसी भी छोटे से छोटे गांव में चले जाइए, जीवन जिंदा रखने के लिए आपको जो कुछ चाहिए वो उस गांव में मिल जाएगा। तो भारत में चूंकि हर गांव में सब कुछ होता है इसलिए यहाँ डिसेंट्रलाइजेशन है। डिसेंट्रलाइजेशन वही होता है जहां सब कुछ होता है, सेंट्रलाइजेशन वहां करना पड़ता है जहां कुछ नहीं होता। तो यूरोप और अमेरिका में कुछ नहीं होता तो वो सेंट्रलाइज सिस्टम में काम करते हैं, हमारे यहाँ सब कुछ सब जगह होता है तो हम डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी को चलाते हैं। अब ये जो डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी भारत में चल रही है पिछले सैकड़ों साल से, हजारों साल से, समय समय पर इसको तोड़ने की कोशिश की गई। सबसे ज्यादा कोशिश की इसको तोड़ने की अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने डिसेंट्रलाइज इंडियन इकोनॉमी को सेंट्रलाइज करने की पूरी कोशिश की, लेकिन 250 साल के बाद भी वो कामयाब नहीं हुई। 250 साल उन्होंने कोशिश की फिर भी कामयाब नहीं हुई। अंग्रेजों से पहले थोड़ी यही कोशिश की पुर्तगालियों ने, लेकिन वो भी कामयाब नहीं हुई। थोड़ी देर यही कोशिश की फ्रांसीसियों ने, वो भी कामयाब नहीं हुई। और ये अंग्रेज, फ्रांसीसी और पुर्तगालियों से थोड़े दिन पहले ये कोशिश की इस्लाम को मानने वाले हैं उन सब विदेशी शासकों ने जो भारत से बाहर के थे, भारत की भूमि पर लूट मार करने आए थे।
वो चाहे अहमद शाह अब्दाली हो, चाहे तैमूर लंग हो, चाहे नादिर शाह हो, चाहे इल्तुतमिश हो, चाहे महमूद गजनवी हो, चाहे बाबर हो, ये सब जो विदेशी शासक आए उन्होंने भी यही कोशिश की कि हिंदुस्तान का जो डिसेंट्रलाइज करेक्टर है इसको तोड़ मोड़ के एक सेंट्रलाइज बना देना, लेकिन वो 600 साल में भी कामयाब नहीं। उन्होंने ये कोशिश 10वीं शताब्दी से शुरू की थी महमूद गजनवी के समय से, और 16वीं शताब्दी तक 10वीं शताब्दी से शुरू की थी महमूद गजनवी के समय से, और 16वीं शताब्दी तक आते आते उनको भारत से हट ही जाना पड़ा, कामयाब वो नहीं हो पाए। 400 साल यूरोप वालों ने कोशिश की, वो भी कामयाब नहीं हो पाए। अब वही कोशिश इस देश में डॉक्टर मनमोहन सिंह कर रहे हैं, वही कोशिश मनमोहन सिंह कर रहे हैं, जिस कोशिश में यूरोपीय फेल हो गए, इस्लामिक रिपब्लिकन लोग फेल हो गए, उसको मनमोहन सिंह कर रहे हैं। मैं आपको ये स्टाम्प पेपर पर लिख के देता हूं, मनमोहन सिंह भी कामयाब नहीं होंगे, सफल नहीं होने वाले, लेकिन वो नुकसान बहुत करते हैं, सफल तो नहीं होगा, नुकसान बहुत हो जाएगा। सफल क्यों नहीं होगा, आप पूछेंगे कि सफल क्यों नहीं होगा, वो इसलिए नहीं होगा कि हिंदुस्तान की आबादी के दो हिस्से हैं, 110 करोड़ की हमारी आबादी है, इसमें एक हिस्सा है जो इंडिया है और दूसरा है वो भारत। ये जो इंडिया है वो हमारा आपका है, हम सब जिसको हम मिडिल क्लास कहें, अपर मिडिल क्लास कहें, हायर क्लास कहें, इस देश में ये सब इंडिया वाला वर्ग है, लेकिन ये बहुत बड़ा नहीं है, मुश्किल से 25-27 करोड़ के आसपास है। तो 25-27 करोड़ का एक वर्ग है जो इंडिया में रहता है, इनके बीच में आप शॉपिंग मॉल्स चलाएंगे तो थोड़े ऊपर चल जाएंगे शायद, वहां भी मुझे डाउट है कि वो चल पाएंगे, शायद चल जाए, लेकिन बाकी का जो हिंदुस्तान है 70 करोड़ का, 77 करोड़ का, 78 करोड़ का, वहां तो सफल होने का कोई चांस नहीं। क्यों? हर आदमी जो वहां रह रहा है वो अपने ऊपर स्वावलंबी है, उसके पास सब कुछ है जो उसकी जरूरत का है, उसको गेहूं चाहिए गेहूं पैदा कर लेता है, आटा बनाना है तो घर में वो पत्थर की चक्की है उसको घुमा के आटा बना लेता है, उसको कोई मशीन भी नहीं चाहिए आटा बनाने की, बिजली आए ना आए उसके ठेले में वो तो अपनी चक्की चला के गेहूं का आटा बना लेता है, बाजरी का बनाना है तो भी चला लेता है, जमी का बनाना है तो चला लेता है, उसको चटनी बनानी है तो मैगी का इंतजार नहीं करता, वो अपना सिलबट्टा लिया टमाटर पीस लिया था जब चटनी तैयार हो गई, उसको अगर कुछ खाना है तो तुरंत। हमारा आपका इलाका है, इसको थोड़े बहुत शॉपिंग मॉल्स चाहिए, क्योंकि हम और आप थोड़े परावलंबी जीव हैं, हमको जो कुछ चाहिए वो हम पैदा कर नहीं पाते, हमको रोज खाने को गेहूं चाहिए, हमारे गेहूं पैदा करने की ताकत हमने नहीं है, दाल चाहिए नहीं है हमारी ताकत, सब्जियां चाहिए नहीं है हमारी ताकत, कॉफी पीते हैं लेकिन कॉफी पैदा नहीं कर सकते, चाय पीते हैं लेकिन चाय पैदा करना हमको मालूम नहीं है, हमको टेक्नोलॉजी नहीं आती, हमारे पास वो नॉलेज बेस नहीं है कि जो कुछ हम खाते पीते हैं वो हम पैदा कर सके। हम परजीवी लोग हैं, पैरासाइट हैं, खासकर पढ़े लिखे और इंटेलेक्चुअल क्लास के लोग तो सभी पैरासाइट हैं, वो निर्भर हैं ऐसे लोगों पर कि वो कुछ कृपा करते हैं आपके ऊपर पैदा करके देने की तो ठीक है, नहीं तो कल को वो ये कहते कि हम बेचेंगे ही नहीं गेहूं हमारा तो आप क्या कर लेंगे, वो ये कहते कि हम तो चावल बेचेंगे नहीं, हम खाते हैं उतना ही पैदा करेंगे, हम दालें बेचेंगे ही नहीं, हम जितनी दालें चाहते हैं उतनी ही पैदा करेंगे, तो वो वर्ग आपको दे देता है तो आपकी जिंदगी चलती है। तो आप बड़े ठसक में रहते हैं कि आपके पास रुपया है, रुपया क्या होता है जी, डेड है, उसमें क्या नाम है रुपए, रुपए से उसकी गनीमत है कि वो आपको कुछ दे देगा है, वरना वो रियल वैल्यू क्या है रुपए की, कुछ नहीं, वो तो मरी हुई चीज है, कागज का एक नोट है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर ने उसको कुछ घोषणा कर रखी है कि मैं 100 रुपए देने का वचन देता हूं, अगर वो घोषणा कल वापस हो जाए तो वो तो कुछ दम नहीं रखता, गेहूं में दम है, चावल में दम है, गेहूं पैदा करने वाला जानता है कि मैं ये गेहूं से कुछ भी खरीद लूंगा, जिसके पास चावल है वो गेहूं ले लेगा उसको चावल दे देगा, लेकिन आपके पास तो न गेहूं है न चावल है, खाली कागज का टुकड़ा है, कल वो कहे कि मैं नहीं मानता रिजर्व बैंक ऑफ गवर्नमेंट की किसी बात को नहीं मानता, तो आप कुछ नहीं कर सकते उसको, तब आप उसके सामने गड़गड़ाएंगे रोएंगे कहेंगे भैया कुछ तो दे दो, तो कहता मुझे कुछ दे दो बदले में, आपके पास कुछ नहीं है देने के लिए उसके पास। हम मानते हैं ना कि पहले की इकोनॉमी थी जो बार्टर सिस्टम से चलती थी वो बहुत आइडियल होता है, बार्टर में पता है क्या होता है, सबके पास सब कुछ होता है, सबके पास सब कुछ होता है क्योंकि वो अपनी चीज से कुछ भी एक्सचेंज कर लेता है,
लेकिन ये जो करेंसी वाली इकोनॉमी है इसमें एक क्लास ऐसा होता है जिसके पास कुछ भी नहीं होता सिवाय कागज के टुकड़े के, और ये कागज का टुकड़ा तभी तक है जब तक रिजर्व बैंक के गवर्नर की गारंटी है किसी दिन इस देश में कॉलेप्स हो जाए पूरी इकोनॉमी और सरकार डूब जाए तो उसकी जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं है, क्योंकि हमारे पड़ोसी देशों में हम ये सब रोज देख रहे हैं। हमारा पड़ोसी देश इंडोनेशिया, थोड़े दिन पहले इसका रिजर्व बैंक इंडोनेशिया का भी रिजर्व बैंक है उसका गवर्नर कहता था कि मैं ये गारंटी लेता हूं जैसे हमारे यहाँ आज उनकी हर करेंसी का डिवेल्युएशन हो गया तो वो गारंटी वापस लेनी पड़ी। जिम्बाब्वे नाम का एक देश है, आज से 20-25 साल पहले उनके यहाँ भी होता था कि 100 रुपए का उनका अपना करेंसी का नोट है तो उसमें गारंटी होती थी। आज जिम्बाब्वे की 1,00,000 करेंसी $1 के बराबर हो, 1,00,000 करेंसी $1 के बराबर है जिम्बाब्वे, तो उन्होंने सब गारंटी वापस ले ली। हिंदुस्तान में कल ये नहीं हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं, ये यहाँ भी हो गया तो रिजर्व बैंक अपनी गारंटी वापस ले लेगा तब आप सब परेशान हो जाएंगे, आप करेंगे क्या? किसान तो बच जाएंगे क्योंकि उनके पास जो भी कुछ है वो एक्सचेंज कर लेंगे, अपनी जिंदगी चला लेंगे, आप तो कुछ नहीं कर सकते। तो अब हम इस हिंदुस्तान की इकोनॉमी को एक ऐसी जगह ले जाके खड़ा करना चाहते हैं जहां यूरोप और अमेरिका मजबूरी में खड़े हैं, उनकी मजबूरी को हमारी सरकार स्टेटस सिंबल मान रही है। हमारी सरकार मानती है कि वहां के शॉपिंग मॉल्स हैं वो हमारे लिए आइडियल है, तो इस देश की सरकार अब शॉपिंग मॉल्स खोलने में लगी हुई है, उन शॉपिंग मॉल्स के लिए कंपनियों को बुला रहे हैं, वो कंपनियां यहाँ आ रही हैं, बड़ी बड़ी दुकानें वो खोलते चले जा रहे हैं। परिणाम क्या निकलेंगे इससे? इसके एक ही परिणाम निकलने वाले हैं कि भारत जैसे देश में जहां बेरोजगारी और गरीबी अभी भी पिछले 60 साल में गंभीरतम समस्याओं में है, माने जो हल नहीं हो पाए 60 साल में वो थोड़ी और बढ़ जाए, ये होने वाला है। आप बोले लीजिए नए शॉपिंग मॉल्स को रोजगार खड़े करेंगे, वो जितने रोजगार खड़े करेंगे उससे ज्यादा वो बेरोजगार कर देंगे, वो कैसे होने वाला है? कल्पना करिए कि इस कानपुर शहर में 10-12 बड़े शॉपिंग मॉल्स खुल गए वॉलमार्ट के या फिर खोल के, तो कानपुर शहर के जो छोटे छोटे किराना व्यापारी हैं ये सब अपनी दुकान बंद करके सड़क पर खड़े होंगे। क्यों? क्योंकि ये शॉपिंग मॉल्स जो बड़े आएंगे इनको कॉम्पिटिशन है छोटे दुकानदारों से, उनके आपस में कंपटीशन कभी भी नहीं होते, ये आप ध्यान रखिए, कभी भी दो बड़े कंपनी आपस में कंपटीशन नहीं करते, वो एक दूसरे के सहयोग से चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेप्सी और कोका कोला, पेप्सी और कोका कोला का आपस में कोई कंपटीशन नहीं है, उसका कंपटीशन भारत में नींबू के पानी के साथ है, उनका कॉम्पिटिशन रस के साथ है, उनका कॉम्पिटिशन भारत में संतरे के रस के साथ है, उनका आपस में कोई कॉम्पिटिशन नहीं है क्योंकि दोनों एक ही अंदर खाने दोनों एक ही, बड़े कंपनीज आपस में मिलजुल कर ही चलते हैं और प्राइस फिक्स होता है ना पेप्सी और कोक का, तो दोनों के मैनेजिंग डायरेक्टर आपस में बैठ के तय करते हैं कि भाई हमारी बोतल इतने की तो तुम्हारी भी इतनी, और फिर दोनों तय कर लेते हैं कि अगर तुम्हारे ऊपर अटैक होगा तो मैं बचाऊंगा, मेरे ऊपर अटैक हो तो तुम बचाना। तो सारी बड़ी कंपनियां जो है ना कार्टेल्स बना के काम करती है, वो दो हो या पांच हो या दस हो, उनमें इंटरनल कंपटीशन कभी नहीं होता। ये बहुत बड़ी हम गलतफहमी के शिकार हैं कि बड़ी कंपनियां आती हैं तो कंपटीशन बढ़ता है, बड़ी कंपनियों के आने से मोनोपोली बढ़ती है कंपटीशन नहीं बढ़ता है। ये पेप्सी कोक की सबसे बड़ा उदाहरण, पेप्सी कोक जब आया तो भारत में 12 छोटे बड़े ब्रांड थे, एक थम्सअप ब्रांड था, एक लिम्का ब्रांड था, एक डबल सेवन ब्रांड था, एक गोल्ड स्पॉट ब्रांड था, एक ये ब्रांड था, एक वो ब्रांड था, लेकिन दो बड़े जाइंट आ गए तो सब छोटे ब्रांड खत्म हो गए, या तो वो पेप्सी में मर्ज हो गए या कोका कोला। रमेश चौहान यही महाराष्ट्र के हैं, उनके मुंह से उनकी कहानी सुन लीजिए, उन्होंने खुद कहा था कि अगर मैं अपना पूरा एम्पायर ना बेचूं तो दो दिन बाद मैं भूखे मरने की हालत में आ जाऊंगा, इसलिए मैंने बेच दिया। तो कंपटीशन उनका जो होता है ना वो लोकल लोगों के साथ होता है, लोकल छोटे छोटे ब्रांड्स, तो ये बड़े शॉपिंग मॉल्स आएंगे इनका कंपटीशन भी भारत की छोटी छोटी दुकानों से होने वाला है। और भारत सरकार के जानकारी के अनुसार, मेरी जानकारी नहीं है ये सरकार की, हालांकि मैं मानता हूँ इसमें कुछ करेक्शन की जरूरत है, सरकार बोलती है कि भारत में छोटे दुकानदार 2 करोड़ से ज्यादा है, 2 करोड़ से ज्यादा छोटे दुकानदार है, इसका माने 2 करोड़ छोटी छोटी दुकानें इस देश में चल रही है। तो ये 2 करोड़ जो छोटी छोटी दुकानें हैं ये कॉम्पिटिटर है वॉलमार्ट और केयरफोर। अब वॉलमार्ट और केयरफोर क्या करेगा इनके कॉम्पिटिशन के लिए? वो कहेगा चलो ठीक है एक साल हम घाटा उठाएंगे,
छोटी दुकान में जो माल 10 रुपए का बिक रहा है वॉलमार्ट उसे 8 रुपए का बेचेगा, या छोटी दुकान में जो माल 5 रुपए का बिक रहा है वो 3 रुपए का बेचेगा, या छोटी दुकान में कुछ बिक रहा है तो वॉलमार्ट में वो कहेंगे एक पर एक फ्री है। जितनी बड़ी दुकानें हैं सब जगह स्कीम है एक पर एक फ्री, एक शर्ट चाहिए एक फ्री ले लो, आप उसको कहो भैया मुझे एक ही दे दो। एक आजकल बड़ा ब्रांड नेम आया है कुटुंब्स, मैं एक दिन दिल्ली में इनके शोरूम में चला गया, कहने लगे की 1100 रुपए की शर्ट है और एक पर एक फ्री है, तो मैं उनका 550 रुपए दे रहा हूँ एक दे दो। 1100 रुपए में आप दो शर्ट दे रहे हो एक पर एक फ्री है, मैं 550 दे रहा हूँ एक दे दो मुझे। कह लगे जी ये नहीं हो सकता, दो खरीदोगे तो 1100 में ही लेना पड़ेगा, हम 550 में एक नहीं दे सकते। तो उनकी अपनी पॉलिसी है, ये पॉलिसी के चलते हिंदुस्तान के 2 करोड़ दुकानदार कुछ भी ऑफर नहीं कर सकते एक पर एक फ्री, उनके पास स्पेस नहीं है, उनकी सीमा नहीं है, उनकी लिमिटेशन उनको परमिट नहीं करती कि वो कुछ ऑफर कर सके। तो होने वाला ये है कि जैसे बड़े शहर नागपुर में उनके 10-12 खुल गए बड़े शॉपिंग मॉल्स, तो छोटे छोटे दुकानदार नागपुर में खत्म। अब ये जो छोटे छोटे दुकानदार खत्म हो जाएंगे, सरकार के पास इनके लिए कोई दूसरा ऑप्शन नहीं, कोई ऑप्शन नहीं, सरकार के पास कोई प्लानिंग भी नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं। और ये पूरे देश के बारे में जरा कल्पना करिए कि 2 करोड़ दुकानदार अगर इस देश में खत्म होते हैं तो 10 करोड़ लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ती है, क्योंकि एक दुकानदार के पीछे 5 आदमी का जिंदगी है इस देश में एवरेज, तो 10 करोड़ लोगों की जीवन आप खतरे में डाल रहे हैं। ऐसी कोई इकोनॉमी में चेंज आए तो वो देश के हित में होगा, ये बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह। आप ये कह सकते हैं कि हमारे पास चॉइस बहुत होगी, ठीक है चॉइस बहुत होगी, मान लीजिए एक बड़े शॉपिंग मॉल में आप चले गए तो आपको जो चीज खरीदनी है उसके हो सकता है 100 ब्रांड हो, आपको साबुन खरीदना है तो साबुन के 100 ब्रांड हो सकते हैं, 150 ब्रांड हो सकते हैं, 300 ब्रांड हो सकते हैं, लेकिन होगा तो साबुन ही ना, दूध तो नहीं मिलेगा साबुन की जगह। तो पता नहीं हम किस दुनिया में रहते हैं, हम ये सोचते हैं हमें चॉइस बहुत है, 150 ब्रांड में से एक हम खरीद के लाएंगे, साबुन ही होने वाला है, साबुन से आगे तो कुछ नहीं मिलेगा उस सेक्टर में। वॉशिंग पाउडर खरीदेंगे हो सकता है 150 ब्रांड नहीं हो लेकिन वॉशिंग पाउडर ही होगा ना, अमृत तो नहीं होगा, गंगा जल तो नहीं होगा। अगर आपको कोई क्रीम खरीदनी है तो हो सकता है 1000 ब्रांड नहीं हो उनके पास, तो क्रीम ही होगी ना, उसके अलावा तो कुछ नहीं होने वाला। तो ये जो हम बार बार करते हैं कि हमारे पास चॉइस होगी, हम चॉइस से ये खरीद सकेंगे, थोड़े दिन मान लो आपकी ये चॉइस आपने पूर्ति कर ली, फिर क्या होगा आगे जरा सोचें। बोलने वाला ये है कि जब आपकी इकोनॉमी में 2 करोड़ लोग अपनी जिंदगी चलाने के लिए लगे हुए हैं छोटी छोटी दुकानों के हिसाब से, ये अगर बेरोजगार होते हैं तो 10 करोड़ लोगों की तो परचेसिंग कैपेसिटी खत्म, क्योंकि उनके पास रोजगार का दूसरा साधन नहीं। अगर उनकी परचेसिंग कैपेसिटी खत्म हुई तो मार्केट में डिमांड कम, और मार्केट में डिमांड कम तो प्रोडक्शन कम, और मार्केट में डिमांड और प्रोडक्शन दोनों ही कम तो इकोनॉमी कोलैप्स, और इकोनॉमी कोलैप्स तो आप सबको डूब मरने के लिए कोई रास्ता नहीं। सोचिए इसको इस तरह से।